सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 250 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर जो नीचे में रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, पहले से पॉइंट पर स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं कर रहा था और एक रेंज बाउंड के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इस प्राइस के पास स्टॉक काफी समय तक कंसोलिडेट करता है, पर जब स्टॉक इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो वहां पर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ के साथ अब इस स्टॉक के अंदर जो रुकावट रेंज है वो 260 रुपीज पर बन चुका है, क्योंकि जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो वो एक रुकावट रेंज की तरह काम करता है। नीचे में अब जो स्टॉक के अंदर सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे है, अराउंड 232 रुपीज के पास। जो आप ग्रीन कलर की नेक लाइन देख रहे हैं, इस पॉइंट पर स्टॉक ने पहले भी एक बॉटम बनाया था और यहां से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 243 रुपीज, अगर हम करंट लेवल से देखें तो लगभग 7 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म के लिए नजरिए से स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो नीचे में 233 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 261 रुपीज, लॉन्ग टर्म में आप इस स्टॉक को 280 रुपीज के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर स्टॉक नीचे में 244 रुपीस के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक नीचे में 232 रुपीस तक के प्राइस को रीटेस्ट कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।